बीजेपी एक बार फिर से जो बीजेपी ने जो वादा किया था, जो घोषणा किया था अपने घोषणा पत्र में चुनाव से पहले, बिहार चुनाव से पहले, वो चुगला बन के रह जाएगा। बिहार सरकार का एक आदेश, आज का आदेश मेरे पास है और इस आदेश पर चर्चा करने के लिए हम आपके सामने साथ बैठे हैं। ये जानने बैठे हैं कि क्या बिहार के युवाओं को पक्की नौकरी नहीं मिलेगी? क्या जो बीजेपी ने वादा किया था कि 19 लाख रोजगार देंगे, वो सिर्फ जुबला साबित होगा? आखिर सरकार में शामिल पार्टियों की कथनी और करनी में इतना फर्क क्यों हो गया? अगर आप रोजगार के वादे पर बिहार की सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो उस वादे को सत्ता में आने के बाद जो पहला आदेश निकलता है, वो आदेश उस वादे को झुठलाता हुआ क्यों प्रतीत होता है? क्या बिहार के युवा ये मान ले कि उन्हें सरकारी या पक्की नौकरी मिलना उनके लिए असंभव सा काम हो गया है? क्या वो ठेके पर ही काम करने को मजबूर है और वो भी पूरा नहीं, अगर थोड़ी बहुत नौकरी मिलेगी भी तो वो भी ठेके पर या संविदा पर? ढेरों सवाल हमारे जहन में है, क्योंकि सरकार का पहला आदेश नौकरी को लेकर, बिहार में नौकरी को लेकर बिहार सरकार का पहला आदेश हमारे सामने है। और मेरे पास वो पत्र है बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग का, सामान्य प्रशासन विभाग जो नौकरी के लिए जिम्मेवार विभाग होता है, और उस पत्र के आधार पर हम ये जानने बैठे हैं कि क्या ये नियति बन गई है बिहार के लोगों की, युवाओं की। हम आपको तफसील से आज बताएंगे कि कैसे बीजेपी का जो वादा है, बीजेपी का की जो घोषणा बीजेपी का था चुनाव से पहले, वो एक बार फिर से लग रहा है कि जुबला है। सबसे पहले बता दें हम आपको कि राज्य सरकार ने आज पहला, एक तरीके से कहें तो पहला आदेश निकाला है, और पहला आदेश बिहार सरकार के, पहला पत्र, आदेश नहीं इसको पत्र कह सकते हैं, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार में नौकरियों को लेकर पहला पत्र जारी किया है। यह इंटरनल लेटर है, आम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन इंटरनल लेटर का मजबूत जो है वो बिहार के युवाओं को निराश करने वाला है। जो बिहार के युवा, जिनको तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि 10 लाख पक्की सरकारी नौकरी देंगे, उसके बाद जवाब देने बीजेपी उतरी थी तो बीजेपी ने कहा कि 4 लाख, हम एग्जैक्ट बताते हैं, 19 लाख रोजगार की बात कही थी, लेकिन बीजेपी ने जो कहा था कि 4 लाख नौकरी हम देंगे और उसके अलावा रोजगार के 19 लाख हम साधन जो है वो हम उपलब्ध कराएंगे, तो क्या जो 4 लाख पक्की सरकारी नौकरी का वादा बीजेपी ने किया था अपने घोषणा पत्र में, वो यही है जो हमारे हाथ में पत्र है? हम इस पत्र को आपके सामने पढ़ देना चाहते हैं। सरकारी भाषा है, थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी हम इसका जो मजमून है, जो कुछ इसमें चिस्ट है, जो बातें हैं, वो आपके सामने पढ़ना चाहते हैं। ये बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आज या कल यानी 17 नवंबर को यह पत्र जारी किया है। बिहार के तमाम जो विभागों के प्रधान है, जो अपर मुख्य सचिव है, जो प्रधान सचिव है, जो सचिव है, जो विभाग का अध्यक्ष है, सभी विभाग बिहार पटना के, उनको यह पत्र जारी किया गया है कि यह इस पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 2007 में संविदा पर, यानी ठेके पर, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में कह सकते हैं, ठेके पर, कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति की नियमावली जो है, यानी मार्गदर्शक सिद्धांत निरूपित किया था, बनाया था। उस नियमावली के आधार पर बिहार सरकार के दफ्तरों में विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, लेकिन ढेर सारे पद खाली रह गए। उन पदों पर संविदा के आधार पर, यानी ठेके के आधार पर नियुक्ति प्रस्तावित है। अतः सरकार को सारे जो प्रधान है अपने विभागों के, वो बताएं कि स्वीकृत पद कितने हैं और उस पर संविदा पर कितनी नियुक्ति हुई। अब कितनी नियुक्ति संविदा पर वो हो रही है,
प्रक्रियाधीन है और कितनी नियुक्ति होनी है, यानी सरकार संविदा पर नियुक्ति करने जा रही है, जो राज्य सरकार के खाली पड़े पद हैं राज्य सरकार के दफ्तरों में, वहां पर संविदा यानी ठेके के आधार पर नियुक्ति होने जा रही है। राज्य सरकार ने यह पत्र निकाला है, ये राज्य सरकार का पत्र है और राज्य सरकार ने कहा है अपने सभी विभागों को, के प्रमुख को, प्रधान को, कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ आप हमारे पास भेजिए। क्या यही वादा था? ये संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया जो है एक बार जो है वो